बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग मोबाइल को फ्लैश करने के लिए यूटिलिटी और ड्राइवर्स। बहुत से फ्रेंड्स ने कहा कि प्रॉपर ड्राइवर्स हमें नहीं मिलते, उनमें बग होते हैं, वायरस होते हैं और प्रॉपर लोकेशन से डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से सैमसंग के ड्राइवर्स भी यूएसबी मोबाइल के किसी भी सैमसंग मोबाइल के लिए कारआमद हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि किसी भी सैमसंग मोबाइल को कोई ब्रिक हुआ हुआ हो या उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, उसको भी इस यूटिलिटी के ज़रिए फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डाउनलोडिंग की तरफ। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी सैमसंग के यूएसबी केबल ड्राइवर्स का डाउनलोड लिंक, और यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। वैसे तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे, ड्राइवर्स भी आपको लेटेस्ट मिल जाएं और फ्लैशिंग यूटिलिटी भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिए ड्राइवर्स, ये अब आप देख सकते हैं। ऑर्डेन के नाम से यूटिलिटी है जो कि किसी भी सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के काम आती है, और तकरीबन सारे लोग इसी यूटिलिटी से सैमसंग के मोबाइल्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं, या ब्रिक मोबाइल अगर रीबूट हो रहा हो या उसके अंदर कोई बग हो या कोई सॉफ्टवेयर पुराना हो, उसको इसी से अपग्रेड करते हैं और फ्लैश करते हैं। बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इंसान इसको आराम से घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना का इशू है। तो ये यहाँ से आप ऑडिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वर्जन 3.13 आजकल चल रहा है, जो कि टेस्टेड भी है, और उससे मैंने खुद भी मोबाइल फ्लैश किया है जो बिल्कुल प्रॉपर सही काम कर रहा है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 3.13.1 को, ये डाउनलोड हो रही है यूटिलिटी, छोटी सी यूटिलिटी है 3-4 MB की। आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, और ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने कुछ चेक किए हुए हैं, ये प्रॉपर वर्किंग में है। ड्राइवर्स भी इसमें किसी किस्म का कोई बग नहीं है, एडीबी ड्राइवर्स भी इसमें इंक्लूड है, एमटीपी भी, और सैमसंग के यूएसबी केबल के भी, और मॉडेम भी सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो या ऑटो डिटेक्ट कर लेता है उसको। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, 32 बिट, 64 बिट दोनों के लिए कंपेटेबल है। तो फ्रेंड्स, ये अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप, मैंने दोनों को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया आपकी आसानी के लिए। तो ये पहले मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हैं मेरे ड्राइवर्स सैमसंग के, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने एक दफ़ा फिर इंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये 100% वर्किंग में और टेस्टेड है, और इनमें किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है और प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने यस कर दिया कि आप फिर भी इसको इंस्टॉल कर दो। तो अभी सेटअप चल जाएगा, इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यूएसबी ड्राइवर्स हैं, उसमें टाइम लगेगा। अपना रीजन सेलेक्ट कर लें, कंट्री सेलेक्ट कर दें, लोकेशन सेलेक्ट कर लें, अगर आपने सी में इंस्टॉल करना है तो सी में कर लें, अगर डी में करना चाहते हैं तो डी में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी जगह है। तो फ्रेंड्स, ये अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लेंगे ये इंस्टॉल होने के अंदर। बाकी आ जाते हैं यूटिलिटी की तरफ, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। .7 zip से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और विन रेयर विन जिप, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा है। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसकी ऑर्डिन 3 के नाम से सेकंड वाली फाइल है, इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर हम करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऊपर ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, ये ड्राइवर्स खाली सैमसंग के तमाम मॉडल्स के लिए करामद हैं और कोई भी मॉडल के साथ कंपैटिबल हैं, तो आप किसी भी मॉडल के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता होता कि हमने ड्राइवर्स प्रॉपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, किस यूटिलिटी से सैमसंग का मोबाइल फ्लैश होगा, क्या वो यूटिलिटी वायरस फ्री है, टेस्टेड है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि प्रॉपर ड्राइवर्स भी आप डाउनलोड कर सकें और टेस्टेड यूटिलिटी भी आपको मिल जाए, जिससे आप अपना सैमसंग का मोबाइल ईजिली अपग्रेड कर सकें या फ्लैश कर लें, या अगर ब्रेक डाए तो उसको ठीक कर सकें घर पर। ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको फिनिश कर देता हूँ मैं।
इसके बाद यूटिलिटी राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, यस कर दिया, तो ये यूटिलिटी रन होगी जिससे आप मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं। अभी इस पे कोई मोबाइल अटैच नहीं है, मैं अपना नोट 5 इसके साथ अटैच करके आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे टॉप पे उसकी अभी कनेक्टिविटी शो हो जाएगी। अपना मोबाइल अटैच कर रहा हूँ, ये देखें लेफ्ट साइड पे जैसे मैंने मोबाइल लगाया इसने डिटेक्ट कर लिया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं डिवाइस मैनेजर में जाके कि वाकई इसने किया हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं MTP इसने डिवाइस उठाई हुई मोबाइल की। विंडोज़ 10 का बग है, इसको दोबारा वेरीफाई करना पड़ता है, एक दफ़ा अपग्रेड करना पड़ता है। ये मोबाइल इसने डिटेक्ट कर लिया मेरा, और ये देखिए डिवाइस मैनेजर के अंदर भी शो हो रहा है। इसको डिवाइस स्टोरेज करूँगा मैं मोबाइल के अंदर से जाके, तो यहाँ पे ये एज़ अ स्टोरेज डिवाइस शो करना शुरू कर देगा और इंटरनल मेमोरी दिखाना शुरू कर देगा। ये देखें दोबारा इसने डिटेक्ट कर लिया है इसको, जब मैंने मोबाइल के अंदर से USB स्टोरेज किया। ये देखें इंटरनल ये सारा इसने शो कर दिया, पहले ये नहीं कर रहा था। तो इस तरह फ्रेंड्स हम इजीली मोबाइल को फ्लैश भी कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको फ्लैश करना है तो डाउनलोड मोड के अंदर डाल दें, वो मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर शेयर किया है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।